भारत में हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। वैसे ही हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में इस व्रत की काफी मान्यता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने की अपनी एक अहम विधि है। ये निर्जला व्रत है, यानी पूरे दिन ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। शाम के समय करवा माता का पूजन किया जाता है। इस दौरान वह पूरी तरह से सज धज के अपनी पूजा की थालियों को घुमाती हैं। है वीरो कुड़िये करवड़ाले सर्व सुहागन करवड़ाले कत्ती नाय टेरी ना कुमच रखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुते नू जगाई ना रुठे नू मनाई ना ले पैन प्यारी वीरा चन चढ़े ते पानी पीना। साथ ही करवा चौथ की कहानी सुनाती हैं। इसके बाद महिलाएं देवी पार्वती की मूर्ति का पूजन कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और अपने करवे को 7 बार घुमाती हैं। भगवान को हलवा पूरी मटरी मीठी मटरी और खीर का भोग लगाती हैं। फिर शाम को चांद देखकर अर्घ देते हैं और पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। हर साल देखा जाता है कि चांद अपनी रूटीन के हिसाब से काफी लेट निकलता है, जिसे सभी सुहागने काफी परेशान हो जाती हैं और उनके पति भी इस बात पर हंसी ठिठोली करते नजर आते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वयं टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।